हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोग घर पर कुशल मंगल से होंगे और आगे भी आप लोगों के अच्छे से रहने की मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। चलिए आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण में आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ पार्ट दो वर्ण विचार। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इससे पहले कि व्याकरण के तीन प्रकार होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो व्याकरण में पहला है वर्ण विचार। वर्णों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें वर्ण कहते हैं, जैसे आदि। तो बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह संकेत निश्चित किए गए हैं, इन्हीं संकेतों को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसे अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों के टुकड़े यानी वर्णों के खंड नहीं किए जा सकते हैं। यदि वर्णों को टुकड़े में भाग बांट दिया जाएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के दो प्रमुख भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ना? तो देखिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये वर्ण के दो भेद होते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? मैं आपको बता दे रही हूँ कि स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिन्हें बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वर्ण 11 होते हैं, आ, ए, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं और आहा आपका स्वर में नहीं आता है, ना स्वर ही में आता है और ना ही यह व्यंजन में आता है। अंग और आहा को हम अयोग वाह कहते हैं। तो स्वर वर्ण 11 होते हैं, आ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और आहा आपके स्वर में नहीं आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं। फिर है आपका व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होता है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो इस तरह जो है, मान लीजिए मैं जो है स्वर हूँ और आप लोग व्यंजन है, मुझे आप लोगों को पढ़ाने के लिए आप लोगों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो और आप लोगों को पढ़ने के लिए मेरी सहायता लेनी पड़ती है। तो इस तरह मैं हो गई स्वर और आप लोग हो गए व्यंजन। तो का से लेकर या तक कि जो हिंदी वर्णमाला में वर्ण है वह व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखिए, अब आप लोग अपना कॉपी में रिटर्न करिएगा, ध्यान से देखिएगा, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लिसन टू मी केयरफुली। वर्ण ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें वर्ण कहते हैं, जैसे आ, आ, इ, ई, उ, ऊ, आदि। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर आप लोग पिक्चर बनाइएगा, पिक्चर बना के लाइट कलर से इसे कलर भी करिएगा। वर्ण के भेद लिखिएगा, फिर स्वर और व्यंजन। अब आप आगे देखिए, आप लोगों का गृह कार्य होमवर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? गृह कार्य। इसमें पहला प्रश्न है आपका, वर्ण किसे कहते हैं? याद करिए तथा लिखिए। आप लोग क्या लिखेंगे? ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें वर्ण कहते हैं। यहाँ आप लोगों को याद भी करना है, याद करने के पश्चात आप लोगों को कॉपी में लिखना है। फिर है दूसरा प्रश्न, वर्ण के कितने भेद होते हैं? आप लोग लिखेंगे ऐसे हेडिंग डालेंगे जैसे मैंने लिखवाया है, वर्ण
वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर दूसरा व्यंजन। और ये पिक्चर भी आप लोग बनाएंगे और लाइट कलर से कलर भी करेंगे, स्केच कलर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। समझ में आया?